तहसील रस्मों में कमांडर शवाल राइफल्स ने नौजवानों से मुलाकात में तालीम की अहमियत, मनफी प्रोपेगेंडे की रोकथाम और अमन अमान के क्याम के लिए नौजवानों के किरदार पर बातचीत की। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवकई में मुकामी कमांडिंग ऑफिसर ने अलबदर ड्राइविंग स्कूल की तकरीबी तकसीम इस्ताद में शिरकत की। कमांडर ने हाजरीन से खिताब में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्किल डेवलपमेंट और तालीम पर भी जोर दिया। बालू में मुकामी कमांडिंग ऑफिसर ने मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और महकमे तालीम के अहदेदारान से मुलाकात में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग और माशरे की तरक्की में साजा के किरदार पर तबादला ख्याल किया। कोटकाई में अस्करी हुकाम ने नवाकच और मुलहका इलाकों के लोगों से मुलाकात की और इन्हें बारूदी सुरंगों से इंसानी जिंदगी को दरपेश खतरात और इनसे बचने से मुतलिक शऊर और आगाही फराहम की। सिलोकुरम के इलाके अलीजई में मुकामी कमांडिंग ऑफिसर की जेर सदारत अहले सुन्नत और अहले तशीम मशरान और सिविल इंतजामिया के अहदेदारान पर मुश्तमिल ग्रैंड शिरका मुनक्किद हुआ, जिसमें क़याम अमन के लिए बाहमी तआवुन के फरोग पर जोर दिया गया। तहसील मीरअली में मुकामी कमांडिंग ऑफिसर ने हसुखेल और मुल्की गाँव के मशरान से मुलाकात में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए माहिदीन की जिम्मेदारी और दहशतगर्द तनासिब की रोकथाम के लिए मौसर तजवीज़ पर मुशावरत की। पेशावर के सब डिवीजन हजर खेन में पाक फौज की जानब से मुकामी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जदीद वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया गया। तहसील चारमंग के इलाके हलाल खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के जेर तमाम फ्री मेडिकल कैंप में 905 मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की गई।